हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने वाली हूं आपसे एग बटर मसाला की रेसिपी। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये मैंने लिए हैं 5 अंडे। इनको मैंने अच्छे से उबाल लिया है और उबाल के मैंने इनको छील दिया है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब मैं ले रही हूँ 3 टमाटर, आप चाहें तो 4 भी ले सकते हैं। अब हम इनको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। हम इनके ज़्यादा बारीक पीसेज नहीं बनाने हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इसको ग्राइंड करना है। पहले हम एग बटर मसाला की ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। अगर हमारी ग्रेवी बन जाएगी तो हमारी आधी मेजरमेंट रेडी हो जाएगी। अब मैं एक ग्राइंड जार ले रही हूँ, उसमें जो मैंने टमाटर कट किए थे उसको ऐड कर दूँगी। आप एग बटर मसाला को चाहें तो रुमाली रोटी या फिर तवा रोटी या फिर तंदूरी रोटी, कोई सी भी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर लच्छा पराठा के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया और यम्मी रेसिपी है। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 4 हरी मिर्च। अब ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर और मैंने 1 चम्मच मिर्ची पाउडर ऐड कर दी है। अब ऐड कर रही हूँ कुछ लहसुन की कलियाँ। अब ऐड कर रही हूँ इसमें अदरक और अब हम इसका एक फाइन सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, देखिए कितने अच्छे से बारीक से ग्राइंड किया है। अब एग बटर मसाला बनाने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 चम्मच बटर और उसके साथ हम एक बात का खास ध्यान रहे, बटर के साथ हम तेल को ज़रूर ऐड करेंगे, जिससे कि हमारा बटर जलेगा नहीं। अगर आप ओनली बटर रहने देंगे तो बटर जो है जल जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से गर्म कर लेंगे और अब ऐड कर देंगे हम इसमें अंडे, जो हमने अंडे उबाल लिए थे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई मसाले। ऊपर से ऐड कर रही हूँ मैं हल्दी पाउडर और अब ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा नमक, चुटकी भर नमक ऐड करना है और इनको चलाते हुए अच्छे से रोस्ट करना है। हमें इनको लगातार चलाते रहना है, अगर हम इनको चलाएंगे नहीं तो ये कढ़ाई में लग जाएंगे और ये चिपक जाते हैं, और ना ही हमें इनको भूनना है, सिर्फ इन पर एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए इतना हम इसको चला चला कर अच्छे से फ्राई करेंगे। आपने एग बटर मसाला तो बहुत खाया होगा, लेकिन आप इस तरह से एक बार मेरे मेथड से ज़रूर बनाएं। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आपको एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में एग बटर मसाला बनकर रेडी होगा। देखिए हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और इस तरह से हम इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए अच्छे से कोटिंग हो गई है। अब जो एग है हम इनको निकाल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी कोटिंग आई है। अब कढ़ाई में हम फिर से बटर ऐड करेंगे और फिर से हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे, जिससे कि हमारा बटर जले ना। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब ऐड करेंगे हम इसमें 1 चम्मच जीरा और अब ऐड कर रही हूँ मैं 3 से 4 लौंगें और एक दालचीनी का टुकड़ा। और अब हम इसको थोड़ा सा अच्छा सा रोस्ट होने देंगे। और अब ऐड किए हैं मैंने इसमें कटी 3 प्याज। मैंने 3 प्याजों को बारीक चॉप कर लिया था। देखिए जो हमारा बटर फूला फूला सा लग रहा था, सब सही हो गया है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। हमें प्याज को भी ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्के से ट्रांसमिशन देखने तक हमें इसको फ्राई करना है। आपने एग बटर मसाला तो बहुत खाया होगा, लेकिन आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। आप इसको रुमाली रोटी या फिर तवा रोटी या फिर लच्छे पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये आपकी फैमिली को और आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए अच्छे से ट्रांसमिशन देखने लग गए हैं। अब ऐड कर देंगे हम इसमें वो वाली ग्रेवी जो हमने पहले से ही बना कर रखी हुई है। आज हमें एकदम से ढाबा स्टाइल एग बटर मसाला बना रहे हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ऐड करूँगी इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और अब ऐड कर रही हूँ मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 5 से 10 मिनट तक के लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे, ताकि जो ये मसाला है हमारा साइडों से छूटना शुरू हो जाए। आपने एग बटर मसाला तो बहुत खाया होगा, लेकिन आप एक बार मेरे मेथड से ज़रूर बनाएं। यह एग बटर मसाला आपको एकदम से रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर मिलेगा। आप इसको ज़रूर बनाएं। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगा। मसाला अच्छे से भुन गया है। अभी हम इसको एक बार और अच्छे से चलाएंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी हो गई है। हमें इसकी थिकनेस ऐसे ही रखनी है। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। आप चाहे तो इसमें अगर डालें
इसकी थिकनेस थोड़ी कम करने के लिए तो गर्म पानी ही ऐड करें, क्योंकि अगर हम इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे तो इसका जायका थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एग, जो हमने बॉईल किए हुए एग हमारे वो इसमें हम ऐड कर देंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं ताकि अच्छे से कुक हो जाए, बट मैं इसको ऐसे ही कुक करूँगी। मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, लेकिन मैं इसको ऐसे ही 4 से 5 मिनट तक के लिए ऐसे ही कुक करूँगी ताकि जो अंडे हैं उसमें भी अच्छे से मसाला पहुँच जाए। अब ऐड करूँगी इसमें बटर, क्योंकि हम बटर मसाला बना रहे हैं तो हम इसमें भर भर के बटर ऐड करेंगे। मैंने 1 चम्मच भर के इसमें बटर ऐड कर दिया है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप अगर एक बार इस तरह से बनाएंगे तो फिर एग करी या फिर अंडे से बनने वाली कोई भी रेसिपी खाना भूल जाएंगे। आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट तक के लिए अच्छे से कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। देखिए अच्छे से कुक हो गई है, हमारे एग बटर मसाला बनकर एकदम से रेडी है। अब हम कर लेते हैं इसको सर्व। इसकी कंसिस्टेंसी भी इतनी अच्छी बनी है ना, बहुत ही अच्छी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। मैंने एक सर्विंग बाउल में इनको निकाल रही हूँ। क्या परफेक्ट रेसिपी बनकर रेडी हुई है हमारी। अगर आप इसको मेहमानों के सामने ही बनाएंगे तो मेहमान भी आपकी तारीफ करेंगे। आप इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप अदर्स वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। मिलते हैं एक ऐसी दूसरी वीडियो के साथ जो एकदम सिंपल और इजी होगी। तब तक के लिए बाय।